पर शेयर करने वाली हूँ कुछ आउटफिट आइडियाज फ्रॉम Amazon जो कि आप परचेज कर सकते हैं। Welcome or welcome back to the channel, back to yet another video. So I'm back after a long gap of like 10 to 15 days क्योंकि दुर्गा पूजा था। I hope आप सभी ने बहुत enjoy किया है दुर्गा पूजा slash नवरात्रि। तो सामने ही आने वाला है दिवाली slash हम लोगों की काली पूजो दीपावली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग सा आउटफिट आइडियाज जो आप दिवाली के लिए परचेज कर सकते हो, और वो भी है फ्रॉम Amazon क्योंकि Amazon पे चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेंगे एज यूजुअल। आपको Amazon पे भी मिलेंगे 50-80% तक ऑफ ऑन योर फेवरेट ब्यूटी एंड फैशन रिलेटेड आइटम्स। 1500 से भी ज्यादा आपको टॉप ब्रांड्स मिलते हैं, 50,000 से भी ज्यादा आपको यूनिक स्टाइल्स मिल जाएंगे Amazon पे। अगर आप पहली बार शॉपिंग करने वाले हो तो आपको फ्री डिलीवरी ऑप्शन मिल जाते हैं, उसके साथ साथ 30 डेज में इजी रिटर्न ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो जाइए चेकआउट कीजिए और ढेर सारा शॉपिंग कीजिए फॉर दिस दिवाली फेस्टिवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल कॉटन का ड्रेस। ये एक व्हाइट कलर का ड्रेस है, उसके साथ आपको मल्टी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत बहुत सुंदर है। मेरे पास सेम ऐसा ही एक कुर्ता है जो मुझे काफी पसंद है, तो सेम प्रिंट में ही मैंने ये वाला ड्रेस लिया है। इसमें आपको एक ऐसे राउंड नेकलाइन मिल जाते हैं, उसके साथ दिस इज अ स्लीव, इसमें एक ग्लास स्लीव है एंड यहाँ पे ना ऐसे कुछ डिजाइन है लाइक दिस ऑरेंज कलर के साथ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेस बहुत ही प्लेन सा है बट इट लुक्स सो सो नाइस, सो गॉर्जियस। एंड नीचे जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको एक फ्लेयर मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद। इसके पीछे ना एक ऐसा शो बटन है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम फेब्रिक मैंने पहले भी ट्राई किया है, कलर एकदम फेड नहीं होता, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और मैं इसको देना चाहूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स। मुझे कॉटन कुर्ता या फिर ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो नेक्स्ट मैंने अमेज़न से लिया है ये एक कॉटन शॉर्ट कुर्ता जो हम जीन्स के साथ या फिर सिगरेट पैंट के साथ पहन सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कैप्टन स्टाइल जैसा होता है ना, वैसा ही एक शॉर्ट कुर्ता ये है, एग्जैक्टली सेम आपको रिसीव हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, गोल्डन येलो के साथ है एंड दिस इज हाउ द नेक पोर्शन लुक्स लाइक। यहाँ पर आपको छोटा सा वी कटआउट मिल रहा है एंड दिस इज द स्लीव, लाइक ग्लास स्लीव है इसमें भी। और स्लीव के ऊपर ना यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर एक लेस बॉर्डर डिटेलिंग मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे है कुछ बहुत फॉयल मिरर वर्क जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे कि मैंने बोला था ना, ये काफ्तान स्टाइल ड्रेस है, तो इसके लिए दोनों साइड पे आपको ऐसे रस्सी मिल रहा है थ्रेड, जो आप टाई कर सकते हो, तो इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा आएगा। एंड यहाँ पे जो ये कवरी शेल के साथ फ्लावर डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो इसका जो क्वालिटी है बहुत ही सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टाइल तो बढ़िया है ही, तो इसको भी मैं देना चाहूँगी 5 में से 5 पॉइंट्स। आज मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑल आर दिवाली एप्रोप्रिएट आउटफिट्स, तो नेक्स्ट जो शेयर करने वाली हूँ दैट इज दिस रेयॉन का लॉन्ग ड्रेस, जो कि एक लॉन्ग कुर्ता कम ड्रेस है। इसको आप पैंट के साथ भी पहन सकते हो, अलग से भी पहन सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें आपको आलिया कट मिल जाते हैं विद अ डीप वी नेकलाइन लाइक दिस। यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंट डिजाइन है एंड यहाँ पे आपको ऐसे मरून कलर के साथ बहुत ही सुंदर रेयॉन का मटेरियल मिल जाते हैं। इसके अंदर कोई भी इनर लाइनिंग नहीं होता है और ये उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन एंड साइज ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हो। और ये मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा ही लॉन्ग हो रहा था, तो मैं इसको एज मैक्सी ड्रेस ही पहनने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ ना, ऑल द लिंक्स विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, भी आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो और इसको मैं देना चाहूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही सुंदर एक पीच कलर का शरारा सेट है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक गाइस, कितना ज्यादा स्वीट सा कलर है, आप इसे फिर मत देखो। इसमें आपको ऊपर में ना इतना तक आपको मिल जाते हैं इनर लाइनिंग, और इसके नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे आपको कोई भी इनर लाइनिंग नहीं मिलता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। और इसमें यूज किया गया है, ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे यूज किया गया है शिफॉन जॉर्जेट मटेरियल, एंड ऊपर में ये जो है ना ये बटर सिल्क टाइप का कोई मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा सुंदर लगा, इसमें आपको फॉयल मिरर एंड एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ही सुंदर काम मिल जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर एक लेस बॉर्डर डिटेलिंग है, ऐसे आपको स्लीव मिल जाता है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट फुल स्लीव तक ही आएगा। एंड स्लीव के नीचे है यहाँ पे लेस बॉर्डर डिटेलिंग विच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और यहाँ पे आपको छोटा सा टॉप तो आपने देख लिया, आप पैंट शेयर करते हो, तो ये जो शरारा है बहुत बहुत सुंदर मुझे लगा। कमर में है इलास्टिक और यहाँ पे थ्रेड आपको मिल रहा है, जिसके साथ आप टाई कर सकते हो पैंट को।
पैंट में आपको फुल एकदम लाइनिंग मिल जाते हैं एंड इसका घेर इतना ज्यादा सुंदर है ना गाइज, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और इसको मैं देना चाहूंगी 5 में से 10 पॉइंट्स, मुझे वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है एंड आई थिंक ये दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट एक ऑप्शन होगा। तो चलो अब नेक्स्ट शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ एक बैग। नाउ अमेजोन पे आपको बहुत ही सुंदर बैग के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेडीज बैग जो होते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ऐसा एक बैग और एग्जैक्टली आपको सेम ही रिसीव होते हैं। नाउ मुझे ना ऐसे सॉलिड कलर का बैग बहुत ही अच्छा लगता है और ये जो पिंक कलर है ना वो काफी ड्रेस के साथ आप उसको यू नो मैच करके पहन सकते हो। आई एब्सोल्युटली लव द कलर। जैसे कि आप देख रहे हो ये एक फॉक्स लेदर का बैग है एंड सामने आपको ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाते हैं। पीछे यहाँ पे बहुत ही स्पेशियस पॉकेट आपको मिल जाता है जिसके अंदर आप बहुत कुछ रख सकते हो। नाउ अंदर का जो ये जगह है आप एक बार देख लो कितना ज्यादा स्पेशियस है ये वाला बैग। इसके अंदर आपको दोनों साइड पे मिल रहा है पार्टीशन, बीच में एक चेन है एंड साइड में यहाँ पे आपको एक यहाँ पे एक चेन मिल रहा है। ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड साइज का बैग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसके अंदर आपको ये स्लिंग भी मिल जाता है जिसको आप अटैच करके भी यूज कर सकते हो और डिटैच करके भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट माई हैंड बैग। रिसेंटली मैंने एक ही लिया है बैग जो कि मुझे तो काफी अच्छा लगा और इसको मैं देना चाहूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी मैं आपके साथ 2 मैक्सी ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ। आई नो दिवाली है बट ऐसे बहुत लोग हैं जो फैमिली हॉपिंग के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्रेस ही पहनना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट एक मैं दिखाने वाली हूँ दिस वन। दिस इज बाय द ब्रांड मैक्स एंड आई गॉट इट इन द साइज एक्स्ट्रा स्मॉल फॉर माई सेल्फ। इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। आपको एक वी नेकलाइन मिल जाते हैं एंड दिस इज द स्लीव पोर्शन। स्लीव में आपको कोई भी इनर लाइनिंग नहीं मिलता, ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे है इलास्टिक, ड्रेस बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। सामने आपको बहुत ही सुंदर ऐसे फ्रिल्स मिल जाते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत सुंदर एक प्रोडक्ट है ये। वेस्ट एरिया से नीचे तक आपको बहुत ही सुंदर फ्लेयर मिल जाते हैं ड्रेस पे। यहाँ पे जो इनर लाइनिंग यूज किया गया है ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड यहाँ पे आपको फ्लोरल प्रिंट के साथ साथ ऐसे कुछ स्ट्राइप स्ट्राइप डिजाइन मिल रहा है जिसमें ग्लिटर जैसा कुछ यूज किया गया है। एंड ड्रेस के नीचे यहाँ पे एक और पोर्शन है जहाँ पे आपको ऐसे फ्लेयर मिल जाते हैं, फ्रिल्स जो बोलते हैं वो है। एंड ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है। ये मेरे हाइट के लिए तो एक मैक्सी ड्रेस ही हो रहा है, तो मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया क्योंकि मुझे ऐसे ही मैक्सी ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। इस ड्रेस की कलर, क्वालिटी एंड डिजाइन सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसको मैं देना चाहूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट मैं शेयर करने वाली हूँ और एक फ्लोरल मैक्सी ड्रेस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये ना बहुत सुंदर पीच कलर कॉम्बिनेशन पे है, एक डीप वी नेकलाइन आपको मिल जाते हैं एंड ये जो सामने आप देख रहे हो ना बहुत ही सुंदर आपको फ्रिल्स मिल जाते हैं। पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं गाइस। आई एब्सोल्युटली लव दिस ड्रेस एंड दिस इज द स्लीव पोर्शन। इसमें आपको ऐसे इतने तक ग्लास स्लीव आएगा, अंदर आपको इनर लाइनिंग नहीं मिलता है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ प्लीट्स जैसा है एंड अंदर है ना यहाँ पे एक इलास्टिक। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसा लगेगा ये पहनने के बाद। आपको 3 लेयर मिल जाते हैं। पहले लेयर जब खत्म होता है तो वहाँ पे एक लेस बॉर्डर डिटेलिंग है, सेम यहाँ पे भी है। और जो ये 3rd लेयर है यहाँ पे आपको ऐसे कुछ प्लीट्स जैसा मिल जाता है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये भी मेरे लिए एक मैक्सी ड्रेस ही है और इसको भी मैं देना चाहूंगी 5 में से 5 पॉइंट्स। ये भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही गॉर्जियस एक कुर्ता है। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये ना वेलवेट मटेरियल का है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो फ्रंट जो पोर्शन है आप देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसमें पैन शेप्ड नेकलाइन मिल जाते हैं विच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों साइड पे है टैसल जिसमें गोल्डन जरी यूज किया गया है एंड यहाँ पे 2 ऐसे गिनी चंक्स यूज किया गया है। ये जो वेलवेट मटेरियल है वो बहुत ही ग्लॉसी है एंड बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। 3/4 स्लीव आपको मिल रहा है, उसके साथ यहाँ पे एक टैसल एंड गिनी चंक्स यूज किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम Amazon। Amazon पे आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाता है, स्पेशली अभी तो चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो कि 10th of November तक चलेगा। एंड इसके अलावा भी आपको Amazon पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बहुत ही वैरायटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। एंड ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा टू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। कौन सा ड्रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है वो भी जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे। अगर आप ये वीडियोस देखते हो पसंद करते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।